हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमिस्टा टॉप फंगिसाइड के बारे में, जो कि बना हुआ है हर किसान की पहली पसंद एवं भारत एवं दुनिया का नंबर वन टॉप फंगिसाइड। ये हर कोई यूज करता है, तो आज इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हम कि ये क्या कार्य करता है, इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसमें कंटेंट क्या क्या आता है, ये कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है, ये कौन कौन सी क्रॉप में इसका आप उपयोग कर सकते हैं एवं इसकी डोज एवं प्राइस क्या है। तो विस्तार से जानकारी दी जाएगी वीडियो में, एंड तक बने रहे। ये अमिस्टा टॉप फंगिसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगिसाइड आता है, जो कि सिस्टमेटिक तरीके से फंगस को नष्ट करता है। बात करते हैं टेक्निकल फॉर्मुलेशन की, तो इसमें दो टेक्निकल होते हैं। पहला है एजिक्स्ट्रोबिन 18.2% WW एवं इसके साथ दूसरा है लिफेनोकोनोजोल, जो कि आता है 11.4%। ये एक ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इसमें ये एक कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। पहली बात तो है कि ये कॉन्टैक्ट के माध्यम से काम करता है। जैसे फसल पे आपने छिड़काव किया और फसल पे डिजीज है, फंगस है, तो उनके कॉन्टैक्ट में आते ही उनको नष्ट कर देगा। और दूसरा है सिस्टमेटिक क्या होता है वो आपको मैं बता दूं कि सिस्टमेटिक मतलब पत्तियों के अंदर घुस के उनके लार्वा एवं उनके सभी, समझिए समझो कि उनकी फैमिली को भी नष्ट कर देता है। ये वो कहता है सिस्टमेटिक फंगिसाइड, जो पूरा अंदर घुस के कार्य करता है। तीसरा है ट्रांसलिनिमार, ये होता है अगर हम कोई भी स्प्रे करते हैं, तो कोई भी स्प्रे पौधे के ऊपर करते हैं तो सबसे पहले वो स्प्रे पत्तियों के ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि पत्तियां ऊपर की साइड है उनके ढक आ जाता है तो नीचे नहीं जा पाता है। तो ट्रांसलिनिमार क्या कार्य करता है कि आपने पत्ती के ऊपर छिड़काव किया, लेकिन वो ये इसमें फॉर्मूला है ताकि ये पत्ती के निचली परत पे भी निकल जाएगा। एक ऊपर से आपने स्प्रे किया पत्ती के ऊपर, वो अंदर घुस के पीछे की साइड से बाहर निकलेगा और पत्ती की पूरी तरीके से पत्ती के सारा और ये घुस जाएगा। पॉइंट नंबर चौथे पे आते हैं अपन, ये एक प्रिवेंटिव तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई डिजीज आया नहीं आपकी फसल में या कोई फंगस ने अटैक नहीं किया, उससे पहले भी आपने अगर इसका स्प्रे कर लिया है एक स्प्रे, तो वो आपको एकदम सिक्योर कर लिया आपकी फसल को कि रोग आने से पहले आपने इसका इस्तेमाल कर लिया है तो अब वो रोग आने की संभावना 0% है, आपके अंदर वो रोग नहीं आएगा। और पांचवी बात करते हैं, ये क्यूरेटिव भी है। जैसे कि कोई डिजीज आ गया है आपके फसल के अंदर और फसल को नष्ट करने लगा है और आपने इसका स्प्रे ले लिया है, तो ये उसको भी नष्ट कर देगा। और प्रिवेंटिव एवं क्यूरेटिव दोनों तरीके से ये कार्य करता है। रोग आने से पहले भी इसका यूज कर सकते हैं और रोग आने के बाद भी इसका यूज कर सकते हैं आप, और इसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं ये कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है, तो ये मुख्य रूप से अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, शीत ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट। जैसे कि मैं आपको विस्तार से बता दूं कि टमाटर में अर्ली ब्लाइट होता है, पत्तियों पे ब्लैक स्पॉट होने लगते, फल सड़ने लगता है एवं बहुत सारे फंगस आते हैं। जैसे इसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, उन सभी का कंट्रोल करता है ये फंगिसाइड। बात करते हैं ये कौन कौन सी फसल में इसका आप उपयोग कर सकते हैं, तो आप मुख्य रूप से इसका उपयोग, वैसे तो सभी फसलों में आप इसका उपयोग बिंदास कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग आप अंगूर, चावल, कपास, गन्ना, आलू, टमाटर, आम, अनार, मिर्च एवं अन्य सभी प्रकार की फसलों में आप इसका उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। जो इसमें जिस फसल का आप इसमें नाम नहीं आया है उसके ऊपर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी फसल होती है सब्जी वर्गीय, खीरा है, गोभी वगैरह, बहुत सारी फसलें जिसका नाम इसमें नहीं आया हुआ है, ये मोस्टली 5-6 फसलों के ही नाम इसमें आए, लेकिन आप सभी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, शीत ब्लाइट वगैरह कोई भी फंगस आपकी फसल में है तो उन पर आप इसका उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। मैंने इसका उपयोग किया हुआ है, मैंने इसका उपयोग अनार में किया था, अनार में लीफ स्पॉट एवं
फल रोट होने लगा था। इसका उपयोग करते ही 7 दिन में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला, और वो भी बहुत तगड़ा एकदम। उसको मैंने क्यूरेटिव किया था, रोग आने के बाद किया था, तो भी इसका 100% रिजल्ट देखने को मिला मेरे को। बात करते हैं इसके डोज की, कि आपको इसका डोज कितना रखना है। तो आपको इसका डोज पर लीटर 1 ml, 1 लीटर में 1 ml इसका डोज रखना है। अगर आप पंप से स्प्रे करते हैं 16 या 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें स्प्रे करते हैं, तो उसमें 15 से 20 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप ड्रम 200 लीटर ड्रम से स्प्रे करते हैं तो 200 लीटर में 200 ml इसका डोज आपको रखना है। बात करते हैं इसका स्प्रे करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले तो आपको गर्मी जो दिन में धूप होता है, धूप में इसका स्प्रे करने से अवॉइड होना है। धूप में इसका स्प्रे नहीं करना है, आपको ठंडे मौसम में स्प्रे करना है। आप सुबह के टाइम पे भी स्प्रे कर सकते हैं एवं शाम के टाइम पे भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका आपको दोपहर में धूप में इसका स्प्रे नहीं करना है। एम बात करते और सावधानियाँ की, तो ये इसके साथ क्या क्या मिला सकते हैं, कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला सकते हैं, जिंक सल्फर जो भी इसके साथ होता है वो क्या मिला सकते हैं। तो पहली बात तो आपको इसके साथ कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके फसल में कोई इंसेक्ट का अटैक है या कोई कीट वगैरह का अटैक है, वो चाहे फल छेदक हो, वाइट फ्लाई हो या थ्रिप्स हो, तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट या जिंक वगैरह ऐसा कुछ आपको मिलाना नहीं है, NPK वगैरह। आप इंसेक्टिसाइड को भी अच्छा सा लेके इसमें यूज कर सकते हैं, वो आप इसके साथ मिला सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की, कि मार्केट में, लोकल मार्केट में आपको क्या रेट में मिल जाएगा। तो ये अब आपको मार्केट में समथिंग 100 ml का पैक है जो 500 रुपये में समथिंग मिल जाएगा। हमारे राजस्थान में समथिंग 500 रुपये में मिल जाता है। आप अलग अलग एरिया के हिसाब से इसका रेट अप डाउन हो सकता है, तो आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 500 या 550 रुपये आपके मार्केट में ये मिल जाएगा। तो ये थी अमिस्टार टॉप फंगिसाइड के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। कैसी लगेगा आपको बताइए कमेंट करके। धन्यवाद किसान मित्रों।